क्या आप जानते हैं रिक्वायर्ड टू का इस्तेमाल कब करना चाहिए, यानी स्पोकन इंग्लिश में आपको कब बोलना चाहिए रिक्वायर्ड टू? अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। कई बार आपको अपने डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना पड़ता है जहां आप कहते हैं आपको अपना पासवर्ड बदलने की जरूरत है या बदलने की आवश्यकता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहां आप कहते हैं किसी काम को करने की जरूरत है या आवश्यकता है को बोलने के लिए आप रिक्वायर टू का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल्स में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो आपको अपना पासवर्ड बदलने की जरूरत है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर पासवर्ड, यानी आपको अपना पासवर्ड चेंज करने की जरूरत है। अगर आपको कहना हो आपको यह लेसन रिवाइज करने की जरूरत है या रिवाइज करने की आवश्यकता है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर रिक्वायर्ड टू रिवाइज दिस लेसन, यानी आपको यह लेसन दोहराने की आवश्यकता है या जरूरत है। अगर आपको कहना हो आपको कुछ एक्शन लेने की जरूरत है या आवश्यकता है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर रिक्वायर्ड टू टेक सम एक्शंस, यानी आपको कुछ एक्शंस लेने की जरूरत है। यह मैं आपको बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप इजारम या वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है तो आप लिखेंगे इजारम, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप वॉज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे रिक्वायर्ड टू, फिर आप लिखेंगे एक वर्ब जो होगा फर्स्ट फॉर्म में, जैसा कि मैंने यहाँ पर करके दिखाया। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लें। अगर आपको कहना हो आपको ये पुरानी मशीन बदलने की जरूरत है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज दिस ओल्ड मशीन, यानी आपको यह पुरानी मशीन बदलने की जरूरत है। आपको पैसा बचाने की आवश्यकता है या जरूरत है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू आर रिक्वायर्ड टू सेव मनी, यानी आपको पैसा बचाने की आवश्यकता है या जरूरत है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने शानदार तरीके से सीखा कि रिक्वायर्ड टू क्या है। अगर वाकई आपने इस बात को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।